हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी आईएएस। तो यहाँ पे आज हम लोग नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। तो यहाँ पे जो ये आर्ट एंड कल्चर की बुक है, ये जो नितिन सिंघानिया द्वारा लिखी गई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गाइज यूपीएससी हर बार आर्ट एंड कल्चर से, स्टैटिक पोर्शन से 8 to 10 क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। तो 8 to 10 क्वेश्चंस तैयार करने के लिए आपको ये बुक कवर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इस पूरी बुक का हम स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्कशन स्टार्ट करेंगे आज से, और हम इस बुक को जल्द ही ख़त्म करेंगे। तो गाइज दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाय मी दीपक यादव। तो यहाँ पे हम लोग पहले चैप्टर वन स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन का नाम दिया है क्योंकि हम इसे चैप्टर लंबा है तो हम पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो चैप्टर वन जो है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम लोग पहले देखते हैं जो इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी, यानी कि जब सब कुछ स्टार्ट हुआ, हम पूरी हिस्ट्री में चले गए, यानी जब सब कुछ स्टार्ट हुआ था तब वहाँ पे हम लोग जो आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं वो हमें यहाँ पे बतानी है कि क्या क्या हमें पहले मिला है। ठीक है, हमें सिर्फ यही सारी चीज़ें जो हिस्ट्री है वही यहाँ पे डिस्कशन करना है आर्ट एंड कल्चर में, कि वहाँ की स्कल्पचर्स कैसी थी, आर्किटेक्चर्स कैसे थे, वहाँ हमें कैसी कैसी पॉटरीज मिली हैं, हमें यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी है इस पूरी बुक में। तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, आर्किटेक्चर जान लेते हैं कि आर्किटेक्चर वर्ड कहाँ से आया और आर्किटेक्चर का मीनिंग क्या होता है। द वर्ड आर्किटेक्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्टोन। जो आर्किटेक्चर वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया, जो कि लैटिन वर्ड क्या नाम है, टेक्टोन। और जो टेक्टोन का मतलब क्या है, बिल्डर, जो किसी चीज को बिल्ड करे। सो एज सून एज द अर्ली मैन बिगेन टू बिल्ड हिज और हर शेल्टर टू लिव इन, द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर स्टार्टेड। यानी जब अर्ली मैन यानी आदिवासी का टाइम चला, जब उन्होंने क्या करा, अपने सर के ऊपर छत बनानी चालू करी और उसमें रहना चालू करा, तभी से ही जो ये साइंस ऑफ आर्किटेक्चर का खेल है वो स्टार्ट हो गया। फिर आते हैं हम लोग स्कल्पचर्स के ऊपर। हमने आर्किटेक्चर का मीनिंग जान लिया, अब स्कल्पचर पे आते हैं, स्कल्पचर का मीनिंग क्या होता है। स्कल्पचर ऑन द अदर हैंड इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड प्रोटो इंडो यूरोपियन से आया है। क्या ना वर्ड क्या है, कैल। ठीक है, एक यूरोपियन वर्ड क्या है, कैल, की KEL, विच मीन्स टू कट और क्लेव। यानी कैल का मतलब क्या है, कट करके उसको एक शेप दे देना। ठीक है, स्कल्पचर्स आर स्मॉलर वर्क्स ऑफ आर्ट इधर हैंडमेड और विथ टूल्स। जो स्कल्पचर्स होते हैं वो छोटे आर्ट होती है। ठीक है, आर्किटेक्चर जो होती है वो एक लार्जर आर्ट होती है। ठीक है, बड़े उस पर काम करना, स्कल्पचर जो है वो छोटा काम करना, छोटी सी आर्ट। अब हम लोग बात करते हैं जो स्कल्पचर है वो हैंडमेड ही बना सकते हैं, हम अपने हाथों से भी बना सकते हैं और विथ टूल्स यानी टूल से भी बना सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन द आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर। तो हम लोग पहले यहाँ पर मीनिंग जानेंगे आर्किटेक्चर का, फिर हम स्कल्पचर का, साथ में ही हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो ध्यान देना, इट रेफर्स टू द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। यानी फर्स्ट डिफरेंस क्या है, आर्किटेक्चर में क्या करना होता है, हमें क्या रेफर करता है, ये एक डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। जैसे आप लोग आर्किटेक्चर्स देखते होंगे, वो डिज़ाइन करते हैं पहले, देन उसके बाद वो उसके ऊपर वर्क करना चालू करते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर में वही काम था। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्कल्पचर देखते हैं, दीज आर रिलेटिवली स्मॉलर थ्री डायमेंशनल वर्क्स ऑफ आर्ट। जो हमारी स्कल्पचर है वो थ्री डायमेंशनल वर्क्स ऑफ आर्ट है, इसे मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग थ्री डायमेंशनल वर्क्स ऑफ आर्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें तीन टाइप की स्कल्पचर ज़्यादातर हमें मिली हैं, वो हम आगे डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ बता दे रहा हूँ, सील्स, ब्रॉन्ज फिगर्स एंड पॉटरीज। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें ज़्यादातर मिली हैं स्कल्पचर्स में, तो यहाँ पर थ्री डायमेंशनल वर्क्स ऑफ आर्ट कहा जा रहा है। देन उसके बाद सेकंड डिफरेंसेस, आर्किटेक्चर यूजेस अ मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टोन, वुड, ग्लास, मेटल, सैंड। अब आर्किटेक्चर में क्या होता है, ढेर सारे इन सब का मिक्सचर से आर्किटेक्चर का जो काम होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि आपको जैसे घर बनाना है तो आप घर के सिंगल मटेरियल से बना लोगे, बिल्कुल नहीं, उसमें आपको स्टोन चाहिए होगा, वुड चाहिए होगा, ग्लास चाहिए, मेटल चाहिए, यानी कि इन सब का जो मिक्सचर से बन के आएगा वो हमारा आर्किटेक्चर होता है, यानी मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, और स्कल्पचर में क्या होता है, सिंगल पीस ऑफ स्कल्पचर, यानी कि जो सिंगल पीस ऑफ स्कल्पचर मेड ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल,
यानी एक ही टाइप के मटेरियल से स्कल्पचर तैयार हो जाता है, बट ऐसा आर्किटेक्चर में नहीं है। आर्किटेक्चर में ढेर सारे हमें मटेरियल चाहिए। स्कल्पचर जो है एक ही रॉक ली हमने, एक ही रॉक से उसके ऊपर डिज़ाइन बना के उसे हमने कट कर दिया, फिगर दे दी उसे, तो वो स्कल्पचर एक ही मटेरियल लगाना उसमें, बट आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं है। इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रिक्वायर्स एक्यूरेट मेजरमेंट। जो आर्किटेक्चर यानी आप मान लो आपको घर बनाना है तो उसमें आपको जो एक्यूरेट मेजरमेंट है वो चाहिए या नहीं चाहिए, या टेढ़ा मेढ़ा बना दोगे? बिल्कुल नहीं ना, एक्यूरेट मेजरमेंट भी चाहिए आर्किटेक्चर में, बट ऐसा हमारा स्कल्पचर में नहीं है। स्कल्पचर इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन एंड नॉट डिपेंड ऑन हैवली ऑन एक्यूरेट मेजरमेंट्स। यानी स्कल्पचर जो है वो क्रिएटिविटी, आपकी कितनी क्रिएटिविटी अच्छी, यानी आपकी इमेजिनेशन, आप कितना अच्छा इमेजिन करके एक जो है फिगर बना सकते हो। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर हमें स्कल्पचर में क्या चाहिए? क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है ताजमहल, रेड फोर्ट एटसेट्रा। यहाँ पे हमारी नटराज इमेज, डांसिंगल। अभी डांसिंगल के बारे में हम आगे भी बात करने वाले हैं, डांसिंगल अभी एक दो बार और आएगी तो हम डिटेल में बात करेंगे डांसिंगल के बारे में। तो यहाँ पर आगे चलते हैं हम लोग। अब होता है हमारा इंडियन आर्किटेक्चर स्टार्ट, यानी कि पास्ट में हमारा इंडियन आर्किटेक्चर कैसा था। इट्स अ स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम द एंशिएंट हरप्पा वैली सिविलाइजेशन टू द ब्रिटिश रूल। यानी ये पूरी स्टोरी है जो कि एंशिएंट हरप्पन सिविलाइजेशन, यानी कि सबसे पहले जो हमें जगह मिली थी इंडिया में वो कौन सी थी? हरप्पा। ठीक है, हरप्पा से लेके जब ब्रिटिश रूल आया, ये पूरी एक स्टोरी है इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में कि आर्किटेक्चर कैसा हुआ, कल्चर कैसा था, स्टाइल कैसा था, वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम क्लासिफिकेशन, ये जो इंडियन आर्किटेक्चर है वो अदर अदर क्लासिफिकेशंस में बांट दिया गया है। ठीक है, कि पहले हरप्पन आर्ट आया, फिर उसके बाद मौर्यन आर्ट आया, फिर उसके बाद पोस्ट मौर्यन आर्ट आया, फिर गुप्ता एज, फिर साउथ इंडियन आर्ट। यानी कि पहले एक हरप्पन आर्ट आया, फिर उसके बाद डायनेस्टीज़ बदल गई, फिर उसके बाद डायनेस्टीज़ बदल गई। ठीक है, फिर धीरे धीरे ऐसे करके गुप्ता एज आया, फिर साउथ इंडियन आर्ट आया, यानी कि रूलर्स बदलते गए और चीज़ें चेंज होती चली गई। ये हमें, बट यहाँ पे सबसे पहले क्या है? हरप्पन आर्ट। तो आज के हम इस सेशन में हरप्पन आर्ट को ही अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने बात करी ये एंशिएंट इंडिया की, जो हमने अभी बात करी एंशिएंट इंडिया में कौन कौन सी जगह हरप्पन आर्ट आया, फिर मौर्यन आर्ट, फिर पोस्ट मौर्यन, गुप्ता एज, साउथ इंडियन आर्ट। फिर उसके बाद मिडिवियल इंडिया में हमारा क्या आता है? दिल्ली सल्तनत, मुगल आर्ट आता है। और फिर उसके बाद हमारा मॉडर्न इंडिया में क्या आता है? इंडो गोथिक स्टाइल, न्यू रोमन स्टाइल। ये हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आपको मैंने ब्रीफ दे दिया है एंशिएंट, मिडिवियल, मॉडर्न। जो हमारी हिस्ट्री है वो तीन ही पार्ट में डिवाइड है, एंशिएंट, मिडिवियल एंड मॉडर्न। तो अभी हम बात करने वाले हैं हरप्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, यानी हरप्पा जो हमें सबसे पहली जगह मिली है और वहाँ पे कैसे कैसे आर्ट था, कैसे कैसे लोग रहते थे, कैसे कैसे हमें वहाँ पे स्कल्पचर्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो वो चीज़ हमें देखनी है कि क्या क्या हम लोगों को मिला। अ फ्लोरिशिंग सिविलाइजेशन एमर्ज 2600 BC टू 1900 BC, यानी ये टाइमिंग, ये टाइम पीरियड है जब यहाँ पे सिविलाइजेशन एमर्ज हुआ। कहाँ पर हुआ? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंदस। इंदस रिवर के बैंक्स के ऊपर यहाँ पे हमने यहाँ पर हरप्पन सिविलाइजेशन को देखा है। मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, ये हमारी है लोकेशन, यानी हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, ये हमारा हो गया इंडिया का बॉर्डर, और फिर उसके बाद ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा हरप्पा, जो कि इंडस रिवर पे है, इंडस रिवर के बैंक पे। तो फिर अब देखते हैं हम लोग। अ मार्क्ड फीचर ऑफ दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन वाज द विविड इमेजिनेशन एंड आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज। यानी कि एक फीचर है जो बहुत अच्छा फीचर हमने उस टाइम में देखा है कि उनकी जो सेंसिबिलिटीज़, आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज़, जो आर्ट बनाने का तरीका था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। एक्सक्यूटेड बाय न्यूमरस स्कल्पचर, सील्स, पॉटरीज, ज्वेलरीज। कहाँ से पता लगाया हमने कैसे अच्छा था? हमने स्कल्पचर्स देखे वहाँ के, सील्स देखी, पॉटरीज देखी और ज्वेलरीज भी देखी। हरप्पन एंड मोहनजोदारो, द टू मेजर साइट्स ऑफ द सिविलाइजेशन, आर अमंग द अर्लीस्ट एंड फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्बन सिविक प्लानिंग। यानी जो हरप्पन, हरप्पन के बाद आया मोहनजोदारो, तो ये जो हमारे टू इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इस सिविलाइजेशन की, जो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो एकदम अर्लीस्ट एग्जाम्पल हैं, यानी सबसे पहले लोग कैसे रहते थे, ये हमारे इस तरह के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, वहाँ पे प्लान नेटवर्क ऑफ रोड्स की बात करेंगे, रोड्स कैसे थे, हाउसेस कैसे थे, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, तो हम ये सारी चीज़ें बात करेंगे। और यहाँ पे उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स का पता लगाया जाएगा कि वो चीज़ें देख कर कि वो लोग, उन्होंने किस तरीके से वहाँ पे डिज़ाइन करा है। तो हमने यहाँ पर लोकेशन देख ही ली है हरप्पन की, हरप्पा की। अब हम मोहनजोदारो की भी देख लेते हैं, मोहनजोदारो की लोकेशन
यहाँ है, ठीक है, ये भी जो है हमारा पाकिस्तान में। तो अभी बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड देयर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, यानी अब हमें इंपॉर्टेंट साइट्स मिली हैं, यानी कि जगह और भी जगह हम लोगों को मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही, बट वहाँ पर हमें और भी चीज़ें मिली गई हैं, ठीक है, जैसे पॉटरीज वगैरह मिलती थी ना हमें, तो ये सारी चीज़ें मिली गई हैं वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग के दौरान। तो हम लोगों को क्या क्या मिला है वो चीज़ हमें डिस्कस करनी है यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ पूछता है यूपीएससी कि ये फाइंडिंग कहाँ पे है, ये चीज़ कहाँ पर मिली थी, ठीक है, और मैच द फॉलोइंग्स भी आ जाते हैं यूपीएससी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये भी अच्छी तरीके से कवर करना है, तो आप सुनते रहिए ध्यान से। तो हम पहले बात करते हैं हड़प्पा की, जो कि प्रेजेंट है पाकिस्तान में, ठीक है। तो हमें वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या क्या मिली गई हैं, फर्स्ट हमें क्या चीज़ मिली है, 2 row of 6 granaries विथ बिग प्लेटफॉर्म। 6 granaries यानी अनाज को रखने का तरीका वहाँ पे देखा गया है एक प्लेटफॉर्म बनाकर। तो जो 2 row of 6 granaries यानी कि 2 rows ऐसे हो सकती हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से हो सकता है। हम लोग अभी इसकी पिक्चर भी देखेंगे, पिक्चर मैंने आगे लगा रखी है। तो हमें पहली चीज़ क्या मिली हड़प्पा में, 2 row of 6 granaries विद बिग प्लेटफॉर्म। सेकेंड चीज़ क्या मिली हमें, स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनि, यानी यहाँ पे कह सकते हैं शंकर भगवान का, ठीक है, शिव जी का स्टोन सिंबल मिला है हमें लिंगम एंड योनि का। फिर उसके बाद मदर गॉडेस फिगर मिली है, आगे हम इसकी भी बात करेंगे, पिक्चर दिखाऊंगा आपको सबकी। वीट एंड बार्ले इन वुडन मोर्टर मिला है, डाइस मिला है हम लोगों को, कॉपर स्केल और मिरर मिला है, कॉपर का स्केल और हम लोगों को मिरर भी मिला है। और फिर उसके बाद क्या मिला है, स्कल्पचर ऑफ डॉग चेजिंग अ डियर इन ब्रॉन्ज मेटल, यानी एक स्कल्पचर किस चीज़ का बना हुआ, यानी कि स्कल्पचर जो मिला है हमें ब्रॉन्ज का बना हुआ, जिसे हम कांसा भी कहते हैं, जो ब्रॉन्ज का बना हुआ है उससे क्या आर्ट बता रही है, यानी कि एक डॉग है जो कि डियर को चेज कर रहा है, डियर के पीछे पीछे भाग रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों को जो लास्ट हमें क्या चीज़ मिली है, रेड सैंड स्टोन मेल टोर्जो हैव बीन एक्सकेवेटेड। यहाँ पे मैंने इसकी पिक्चर लगा दी थी, यहाँ पे स्पेस मिला तो रेड सैंड स्टोन जो हमारा रेड सैंड स्टोन से जो ये मेल टोर्जो बना हुआ है ये हमें मिला है। उसके बाद 2 rows of 6 granaries हमने पढ़ा था मिला है, वो इस तरीके से थी, ठीक है, ये हमारी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के द्वारा फाइंड करी गई है। फिर उसके बाद मदर गॉडेस फिगर की बात करी थी, आप ये देख सकते हैं मदर गॉडेस फिगर, ये है जो मदर गॉडेस फिगर है। फिर उसके बाद ये डाइस हम लोगों को इस तरीके से डाइस यहाँ मिली है। अब आते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो को, हमने हड़प्पन कवर कर लिया, यार हड़प्पन कहाँ पे प्रेजेंट है और हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के दौरान हड़प्पा में हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। अब हम मोहनजोदड़ो पे आते हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ पे प्रेजेंट है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हम लोगों को मिली हैं। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में प्रेजेंट है, हम लोगों ने लोकेशन देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो जो कि है वो पाकिस्तान में लोकेटेड है। फिर उसके बाद हमारी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, यानी हम लोगों को वहाँ पर क्या क्या मिला है। पहली चीज़ तो हमें द सिटाडेल मिला है। सिटाडेल मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा आगे। सिटाडेल जो है वो अपर प्लेटफॉर्म को कहते हैं, यहाँ पे जैसे ये अपर प्लेटफॉर्म है, ये लोअर प्लेटफॉर्म। अपर प्लेटफॉर्म पे उस समय लोग जो हैं बहुत ज़्यादा रिचर सेक्शन के पीपल रहते थे और लोअर प्लेटफॉर्म पे पुअर सेक्शन के पीपल रहते, यानी वर्कर्स वगैरह यहाँ पे रहते थे लोअर जो, बट जो ये अपर एरिया था उसे हम लोग सिटाडेल कहते थे, ठीक है। तो अभी हम इसकी पिक्चर भी देखेंगे। फिर उसके बाद सिटाडेल के बाद हम लोगों को क्या मिला है वहाँ पे, ग्रेट बात, एक बहुत बड़ी जहाँ पे नहाने की जगह मिली है बात, ग्रेट ग्रीनरी मिली है, ठीक है, जहाँ अनाज रखते थे वो लोग, ग्रेट ग्रीनरी मिली। पोस्ट क्रीमेशन बरियल मिला है, कैसे दफनाया जाता था लोगों को। स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड प्रीस्ट, यानी एक बियर्ड है पंडित जी, हमें उनका स्कल्पचर मिला है। उसके बाद 6 चीज़ मिली हमें, फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें फुल डिस्कशन भी करना है आगे, एक दो बार और आएगी डांसिंग गर्ल, तो डांसिंग गर्ल की हमें ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है। उसके बाद हमें लास्ट और ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, पशुपति सील भी हम लोगों को वहाँ पर मिली है मोहनजोदड़ो में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से कि डांसिंग गर्ल कहाँ पे फाउंड करी गई है, या फिर आपको डांसिंग गर्ल दे देगा और दूसरी यहाँ पे प्लेस दे देगा, तो आपको मैच द फॉलोइंग्स करने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने लोकेशन देख ली है, अब हम बात करते हैं सिटाडेल के। जैसे मैंने आपको बताया था एक अपर प्लेटफॉर्म होता है एक लोअर प्लेटफॉर्म, यहाँ पे जो है रिचर सेक्शन के लोग रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है, और अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे सिटाडेल के ऊपर के मतलब सिटाडेल पे क्या क्या जगह थी, क्या क्या चीज़ें थी, कैसे कैसे लोग वहाँ पे रहते थे, आर्किटेक्चर्स थे लोअर सिटी जो थी वहाँ पे कैसे कैसे आर्किटेक्चर्स थे,
तो यहाँ पर हम लोगों को सिटाडेल मिला है इस तरीके से, ग्रेट बात, ये हमें इस तरीके का ग्रेट बात मिला है, ठीक है। और ग्रेट बात की खास बात यह है कि हमें ग्रेट बात में एक भी क्रैक नहीं मिला है, ये भी एक खास बात है कि क्रैक्स वहाँ पर हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिखे हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ उनकी स्किल्स जो हैं कितनी अच्छी थी। उसके बाद पोस्ट क्रिमेशन बरियल मिला है, ठीक है, इस तरीके से बियर्डेड प्रीस्ट यानी कि ये स्कल्पचर, ये वाला स्कल्पचर मिला है। आप इनकी दाढ़ी देख सकते हैं कितनी स्टाइलिश है, इन्होंने शॉल भी पहन रखा है, एम्ब्रॉयडरी हुआ हुआ, यहाँ पे आमलेट भी पहन रखा है, ठीक है गाइस। और ये मेडिटेशन के उसमें इस समय पोज में है। तो हम लोगों को ये बियर्डेड प्रीस्ट मिला है, इनके बारे में हमें फुल डिस्कशन करना है अभी लास्ट में। एक डांसिंग गर्ल स्टैचू ब्रॉन्ज का बना हुआ ये हमें मिला है मोहनजोदारो में, ठीक है, आप देख सकते हैं। फुल डिस्कशन होना है गाइस इसके ऊपर। और फिर पशुपति सील हम लोगों को लास्ट में मिली है। पशुपति सील यानी कि यहाँ पे इस इनको जो है डीटी यानी देवता माना जा रहा है। और आप देख सकते होंगे यहाँ पर एनिमल के इम्प्रेशंस भी हैं, राइनोसोरस है ऊपर, नीचे बफेलो, ऊपर एलिफेंट, यहाँ पे टाइगर, ठीक है। इन्होंने टू हॉर्न्स, यहाँ पे टू हॉर्न वाली यहाँ पर कैप पहन रखी है, ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं इस सील के अंदर। यहाँ पे नीचे एंटीलोप्स यानी दो हिरन भी हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, हमने हरप्पन में देखा हरप्पन कहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे क्या क्या हमें मिला है। उसके बाद हमने मोहनजोदारो में देखा क्या क्या वहाँ पर, मोहनजोदारो जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, हमें क्या क्या मिला है वहाँ पर। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग धोलावीरा में, ये जो कि ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो हम लोगों को धोलावीरा जो कि गुजरात में प्रेजेंट है वहाँ पर क्या क्या मिला है, आप लोकेशन देख लेते हैं हम धोलावीरा की। यह है हमारा धोलावीरा, ठीक है गाइस। हम अगर जूम करके देखें तो जूम में पिक्चर इसकी ये लगा रखी है बिल्कुल, ये ऊपर अपर साइड, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हमारा धोलावीरा प्रेजेंट है। तो हमें वहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ मिली है वो है जाइंट वाटर रिजर्वायर, एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर मिला है। उसके बाद यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, वाटर को हार्नेस करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सिस्टम देखा गया है। स्टेडियम मिला है, डैम्स एंड एम्बैंकमेंट मिले हैं। अब जो डैम्स, आप ये भी कह सकते हैं जो डैम्स स्टार्ट हुए बनना वो धोलावीरा से स्टार्ट हुए। इंस्क्रिप्शन मिले हैं, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन जो एक हार्ड सरफेस होता है, मान लीजिए पत्थर है, ठीक है, हार्ड सरफेस होता है, उस पर किसी चीज़ से गढ़ा कर कोई लिख देता है कोई चीज़, तो उसे हम हार्ड सरफेस कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। हार्ड सरफेस के ऊपर इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्ट कर दी जाती है, मतलब कि कोई चीज़ से किसी कोई चीज़ लेकर उस चीज़ से यहाँ पर गाड़ के लिख दिया जाता है, ठीक है, किसी हार्ड सरफेस पे, ठीक है। ये ज़रूरी है कि हार्ड सरफेस पे किसी चीज़ से लिख दिया जाता है, तो उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते थे। हमने लोकेशन देख ली, इंस्क्रिप्शन कुछ ऐसे हम लोगों को वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिले हैं। उसके बाद आती है हमारे पास लोथल, ठीक है, हम एक और साइट आती है लोथल, जो कि मैनचेस्टर कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आपको याद रखना है, आप पूछ सकता है मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वॉट, ठीक है, जो कि लोथल है। ये भी गुजरात में ही प्रेजेंट है, अभी हम इसकी लोकेशन देखते हैं। लेकिन हमने अभी देख लीजिए हरप्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, अब हमारी आ गई लोथल। लोथल की आप लोकेशन देख सकते हैं, लोथल यहाँ पे गुजरात में है, नीचे की साइड आप देख सकते हैं, ठीक है। धोलावीरा हमारा ऊपर प्रेजेंट है इधर की साइड, यहाँ पर लोथल हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। देन उसके बाद हमारा, हमें जो लोथल में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, फर्स्ट डॉकयार्ड, प्रैक्टिस ऑफ बुरियल क्रीमेटेड रिमेन्स, ठीक है, राइस हस्क, चावल की भूसी कह सकते हैं या छिलका कह सकते हैं, फायर अल्टर्स यानी कि यहाँ पर अगरबत्ती जिसे कहते हैं, पेंटेड जार्स, मॉडर्न डे चेस, टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्स एंड शिप, यानी टेराकोटा आप जानते हैं, टेराकोटा किसे कहते हैं, यानी कि चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी को फायर में जो है वो बेक कर दिया जाता है, यानी कि आग के अंदर उसे बेक कर दिया जाता है ताकि वो एकदम ठोस हो जाती है और मजबूत हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं टेराकोटा फिगर। टेराकोटा फिगर मिली है किस रूप में, हॉर्स के रूप में और शिप के रूप में। फिर उसके बाद हमें एट चीज़ मिली है, इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग 45, 90 एंड 180 डिग्री एंगल्स, यानी हमें इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं जो कि मेजर कर सकें 45, 90 और 180 डिग्री एंगल को मेजर करने के लिए हमें यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले हैं। अब यहाँ पे हमने लोकेशन देख ही ली है,
अब लोथल के बाद कौन सा प्लेस आया? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में प्रेजेंट है, और राखीगढ़ी को वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते थे। ठीक है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है कि सबसे लार्जेस्ट साइट ऑफ IVC कौन सी है, यानी वो है राखीगढ़ी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट साइट। यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या मिला है? ग्रेनरी मिली है, सेमेट्री मिली है, कब्रिस्तान जिसे कहते हैं, ड्रेन्स, नालियाँ भी दिख गई हम लोगों को। अब फिर उसके बाद टेराकोटा ब्रिक्स हैव बीन फाउंड। टेराकोटा ब्रिक्स यानी कि जो मैंने अभी अभी पहले बताया, टेराकोटा यानी कि चिकनी मिट्टी को आग में पका दिया जाता है, यानी कि मजबूत हो जाती है। तो यहाँ पे ब्रिक्स मिली हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स हैं। हम लोग राखीगढ़ी की लोकेशन देख लेते हैं। तो राखीगढ़ी हम लोगों का प्रेजेंट है हरियाणा में, तो ऊपर की साइड, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर की साइड, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाई है, ये हमारा राखीगढ़ी प्रेजेंट है। ठीक है गाइस, अब हम लोग बात करते हैं रोपर की। रोपर जो है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सतलज इन पंजाब। ठीक है, अब रोपर आ गया हमारा राखीगढ़ी के बाद, एक रोपर आया नया प्लेस, उसमें क्या जो कि बैंक्स पे सतलज, बैंक्स ऑफ सतलज जो कि पंजाब में है वहाँ पर लोकेटेड है। हम लोगों को वहाँ पे क्या क्या मिला है? डॉग बरीड विद ह्यूमन ओवल पिट बुरियल्स, यानी कि एक डॉग, एक ओवल सा पिट है, यानी कि ऐसा अंडे के आकार में एक गड्ढा है जिसमें हम लोगों को एक डॉग मिला है। ठीक है, डॉग है वो एक ह्यूमन के साथ यानी एक आदमी के साथ दफना हुआ। ठीक है, दफनाया हुआ एक डॉग मिला है एक आदमी के साथ, ऐसा लग रहा है कि ये इस डॉग का मालिक है। ठीक है, ये आदमी। देन उसके बाद हम लोगों को वहाँ पे क्या मिला है? कॉपर एक्स। ठीक है, एक कॉपर की हमें कुल्हाड़ी मिली है। रोपर की हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। रोपर जो है वो पंजाब में लोकेटेड है, यहाँ पर हमारा रोपर लोकेटेड है। देन उसके बाद आते हैं हम लोग, एक हम लोग को फिर एक रोपर के बाद कौन सी नया प्लेस आया? बालाथल और कालीबंगन। ठीक है, बालाथल और कालीबंगन मिला जो कि राजस्थान में है। ठीक है, हम लोग को वहाँ पे क्या क्या मिला? बैंगल फैक्ट्री, ठीक है, चूड़ियों की फैक्ट्री मिली, टॉय कार्ट्स मिले, यानी कि जो खेती करी जाती है जिस कार्ट से, हल से, वो हमें टॉयज मिले उनके। ठीक है, खिलौने के रूप में। बोन्स ऑफ कैमल, ऊँट की हड्डियाँ मिली गई। डेकोरेटेड ब्रिक्स, जो ब्रिक्स होती हैं उनको डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली हम लोगों को, यानी सजी धजी यहाँ पे ईंटें मिली हैं। सिटाडल एंड लोअर टाउन, हम बात कर चुके हैं, सिटाडल जो अपर टाउन होता है और लोअर टाउन, नाम आप लोअर टाउन ही कहेंगे, ये चीज़ हम लोगों को दिखी है। फायर ऑल्टर यानी कि फिर से हम लोगों को अगरबत्तियाँ यहाँ पर मिल गई हैं। तो हम लोग यहाँ पर अब देख लेते हैं बालाथर और कालीबंगन की लोकेशन। तो हमारा यहाँ पर यह है प्रेजेंट। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग आते हैं सरकोताड़ा, जो कि गुजरात में प्रेजेंट है। सरकोताड़ा में हम लोगों को एक ही चीज़ मिली है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं, याद रख भी सकते हैं क्योंकि एक ही चीज़ मिली है। सरकोताड़ा में मिला है हम लोगों को हॉर्स बोन्स, हॉर्स की कुछ ऐसी बोन्स मिली हैं। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद आते हैं हम बनावली, जो कि हरियाणा में प्रेजेंट है। कहाँ पर? ड्राइड अप सरस्वती रिवर, यानी सरस्वती रिवर है जो कि सूख चुकी है। ठीक है, उसके ऊपर हमें बनावली मिला है, बनावली एक प्लेस, ठीक है, मिली है। तो हम लोग देख लेते हैं लोकेशन बनावली की, जो कि प्रेजेंट है यहाँ पर मैप में। ठीक है, तो हम लोगों को बनावली में क्या क्या चीज़ें मिली हैं आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के दौरान? टॉय प्लफ मिला है, हल मिला है फिर से एक खिलौने के रूप में, बारले ग्रेन्स मिले हैं, लैपिस लजूली, फायर ऑल्टर्स, ओनली सिटी विद रेडियल स्ट्रीट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, यानी बनावली ऐसी एक लौती सिटी थी जहाँ पे हम लोगों को रेडियल स्ट्रीट्स मिली हैं। ठीक है, रेडियल स्ट्रीट्स यानी कि गोल के आकार में इस तरीके से वहाँ पे गलियाँ थी। मैं आपको दिखाता हूँ अभी पिक्चर। पहले तो हम लोगों को टॉय प्लफ मिला है, ठीक है, यानी कि वो लोग किसानी के बारे में भी अच्छी तरीके से जानते थे, यानी कि इस तरीके हम लोगों को वहाँ पे खिलौना मिला है। और रेडियल स्ट्रीट्स होती हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं गोल गोल यहाँ पर आ रही हैं और बीच में उनसे भी कनेक्टेड स्ट्रीट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को रेडियल स्ट्रीट्स वहाँ पर मिली हैं। ऐसी एक लौती सिटी है, आपको फिर से याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो ऐसी एक लौती सिटी कौन सी है? बनावली, जहाँ पर रेडियल स्ट्रीट हम लोगों को देखी गई है हमने। उसके बाद आता है आलमगीरपुर, ठीक है, एक प्लेस आती है आलमगीरपुर। अब बनावली के बाद हम लोगों का आलमगीरपुर में देखते हैं, जो कि मेरठ में प्रेजेंट है।
उत्तर प्रदेश ऑन द बैंक्स बैंक्स का हो गया सॉरी बैंक्स ऑफ यमुना, ठीक है। अब यमुना के किनारे यहाँ पे प्रेजेंट है आलमगीरपुर, वहां पर हम लोगों को क्या मिला है, ब्रोकन ब्लेड ऑफ मेड ऑफ कॉपर, यानी एक कॉपर का ब्लेड मिला है, ब्लेड जो कि टूटा हुआ है। सेरेमिक आइटम्स यानी कब्रिस्तान से रिलेटेड आइटम्स मिले हैं हम लोगों को। इंप्रेशन ऑफ क्लॉथ ऑन अ ट्रफ, हमें क्लॉथ का इंप्रेशन भी यहां पर दिख गया, कहां पर, आलमगीरपुर में। उसके बाद हम आलमगीरपुर की लोकेशन देख लेते हैं, तो यहां पर आप लोग देख लीजिए, यहां पे हमारा ये हो गया बॉर्डर इंडिया का, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों का आलमगीरपुर जो कि मेरठ में, जो कि यूपी में, यहां पर आलमगीरपुर प्रेजेंट है। उसके बाद आता है हमारा मेरगढ़, ठीक है। आलमगीरपुर के बाद कौन सी जगह मिलती है हम लोगों को, मेरगढ़, जो कि ये भी पाकिस्तान में प्रेजेंट है। कंसिडर्ड प्रिकर्सर टू IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले की जगह मानी जा रही है मेरगढ़, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेरगढ़ में क्या क्या मिला है हम लोगों को। पॉटरीज मिली हैं, पॉटरीज हम लोगों को बहुत मिला करती थी, आगे भी आप लोग पढ़ते रहोगे ना, तो पॉटरीज हम लोगों को बहुत मिला करती थी। कॉपर टूल्स हैव बीन फाउंड, यानी हम लोगों को कॉपर के टूल्स भी मिले हैं। पॉटरियाँ मिली हैं कहाँ पर, मेरगढ़ में। हम पॉटरीज आपने पिक्चर देखी ली होगी पीछे, ये देख लीजिए पॉटरीज, तरीके की हम लोगों को मटके वटके मिल जा करते थे। फिर उसके बाद मेड़गढ़ की लोकेशन जो है वो ये रही, वो भी पाकिस्तान में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अब आर्किटेक्चर एंड हरप्पन सिविलाइजेशन, यानी हरप्पन सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर किस तरीके का था, मेन। अब हरप्पन सिविलाइजेशन हमने इंपॉर्टेंट साइट्स की बात कर ली, जो हरप्पन सिविलाइजेशन के बाद हम लोगों को लाइन वाइज कौन कौन सी जगह मिली, कौन कौन सी जगह हमने ढूंढी, ठीक है। नाम जान लिए हमने, लोकेशन जान ली हमने, उसके बाद वहाँ पर हम लोगों को क्या क्या मिला हमने वो भी अच्छी तरीके से कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे आर्किटेक्चर की, जो कि हरप्पन सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर किस तरीके का था। हम लोगों ने भी जाना, ठीक है, कि सिटाडेल और लोअर पार्ट्स ऑफ सिटी वहाँ पर देखा जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हरप्पन एंड मोहनजोदारो रिवील्स अ रिमार्केबल सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग इन अ रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। रोड्स आर इन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब यहाँ पे मैं आपको पैटर्न बना के दिखाता हूँ किस तरीके से वहाँ पे रोड्स हुआ करती थी हरप्पन सिविलाइजेशन में। इस तरीके से ये मैंने बना दिया है, यानी यहाँ पर घर हुआ करते थे लोगों के, यहाँ पर जहाँ पे मैंने डैश लगा रहा हूँ यहाँ पे घर हुआ करते थे, और ये रोड्स जा रही थी, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये राइट एंगल भी बन रहा है, रोड जो है वो नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट जा रही हैं सारी, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ पे रूट्स भी जा रही हैं, इस तरीके से वहाँ पे हम लोगों को ग्रिड पैटर्न दिखाई दिया। और रेडियल पैटर्न जो हमें कहाँ पे दिखाई दिया था, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए, रेडियल पैटर्न हम लोगों को कहाँ पे दिखाई दिया था। उसके बाद जो अब सेकंड चीज़ दिख जा रही है, थ्री टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स हैव बीन फाउंड इन द एक्सकेवेशन साइट, यानी कि तीन टाइप की बिल्डिंग भी मिली हमें हरप्पन सिविलाइजेशन में। ड्वेलिंग हाउसेस रहने वाले घर मिले हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स मिली हैं, पब्लिक बाथ्स मिले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद द हरप्पन्स यूज बर्न्ड मड ब्रिक्स, यानी जो कीचड़ यानी मिट्टी समझ लो, मिट्टी की एकदम ब्रिक्स मिली हैं, मजबूत ब्रिक्स जो कि बर्न्ड यानी कि आग में तपी हुई थी ब्रिक्स, ठीक है। ईंटें जो कि आग में तपाकर बनाई गई थी वो मिली हैं, जो कि हम उससे ही कंस्ट्रक्शन करते थे। और क्या, किससे चिपकाते थे हम लोग ईंट को, जिप्सम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिप्सम से हम लोग चिपका के वो कोई चीज़ बनाते थे। उसके बाद द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, सिटी जो है वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड थी, अपरे सिटाडल एंड लोअर सिटाडल। हम पढ़ पढ़ के थक गए, अब अपरे सिटाडल ये, ठीक है, ऊपर का पार्ट, लोअर सिटाडल ये। अब हम जानेंगे लोअर सिटाडल नहीं, लोअर सिटी। अब हम लोग पता करेंगे कि लोअर सिटाडल पे क्या क्या था और लोअर सिटी पे कैसे कैसा आर्किटेक्चर था। तो अपरे सिटाडल जो कि वेस्टर्न पार्ट वॉज यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स ऑफ लार्ज डायमेंशन, जो अपर सिटाडल था यानी अप्रेस्ड पार्ट, यहाँ पे बड़े बड़ी साइज की बिल्डिंग बनती थी लार्ज डायमेंशन की, सच एज ग्रेनरीज भी यहीं पे ही बना करती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स भी यहीं पे बना करती थी, पिलर्ड हॉल्स जो कि पिलर पे रुके हों, मतलब बड़े बड़े हॉल्स बना करते थे, कोर्टयार्ड, बड़े बड़े कोर्टयार्ड वरांडाज बनते थे। सम ऑफ द बिल्डिंग्स सिटाडल माइट हैव बीन द रेजिडेंस ऑफ द रूलर्स एंड अरिस्टोक्रेट्स, यानी कि बहुत सारे रूलर्स और अरिस्टोक्रेट्स की यहाँ पे ही बिल्डिंग थी सिटाडल पे, यानी अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे। अब बात करते हैं आगे, द ग्रेनरीज वर इंटेलिजेंटली डिजाइंड विद स्ट्रेटेजिक एयर डक्ट एंड रिस्क प्लेटफॉर्म्स विच हेल्प्ड इन प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम पेस्ट्स, यानी कि जो ग्रेनरीज हैं, यानी कि हम लोगों को जहाँ पे अनाज रखते थे, ठीक है, ऐसे करके प्लेटफॉर्म बना करते थे, इसमें अनाज भर दिया जाता था, और ये जो बनाया जाता था प्लेटफॉर्म, ये बहुत ऊंचाई पे बनाया जाता था, ठीक है,
रेस प्लेटफॉर्म बनाए जाते थे और जो कि मदद करते थे पेस्ट यानी कि कीटाणुओं से बचाने में ग्रीनरीज को, क्योंकि यहाँ पे स्टडीज एयर डक्ट्स यानी कि हवा भी पास होती थी और यहाँ पे कीटाणु से भी ये जो ग्रेनरीज थी अनाज थी वो बच जाती थी। ठीक है, मतलब उन लोगों को इतना कुछ ये चीज़ के ऊपर ध्यान देते थे वो लोग। उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द हरप्पन सिटीज इज द प्रिवलेंस ऑफ पब्लिक बाथ्स विच इंडिकेट्स रिचुअलिस्टिक क्लेंजिंग इन दियर कल्चर। द बाथ्स ऑल्सो हैड गैलरीज एंड रूम सराउंडिंग इट। एग्जाम्पल है ग्रेट बाथ, यानी कि अब जो हम लोगों के पब्लिक बाथ्स हुआ करते थे, ठीक है, बड़े बड़े जो बाथ्स हुआ करते थे जहाँ लोग नहाते थे, वो ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे बाथ हुआ करते थे, प्लस जो नीचे घर भी थे उनके घर में पर्सनल बाथ भी हुआ करते थे। ठीक है, पर्सनल बाथ हुआ करते थे, जो ये दर्शा रहा है कि वो लोग बहुत रिचुअलिस्टिक यानी अपने धर्म के प्रति बहुत और अपने साफ सुथरे ज़्यादा वो लोग कल्चर को साफ सुथरा रखने में ज़्यादा वो लोग ध्यान रखते थे। ठीक है, और जो बाथ्स हुआ करते थे उनके किनारे किनारे गैलरीज भी हुआ करती थी और रूम्स भी हुआ करते थे। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास एक ग्रेट बाथ का पिक्चर दिखाते हैं। ग्रेट बाथ हमारा कुछ इस तरीके से वहाँ पर दिखा। ठीक है गाइस, अब आगे का जो हम डिस्कशन है वो पार्ट टू के अंदर डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर बने रहिए इस बुक को कवर करने में।